मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। महिलाएं और ग्रामीण बर्तन लेकर डीएम के सामने पहुंचे और जमकर की नारेबाजी। कुआं अधिग्रहित करने तक धरने पर बैठे सैकड़ों ग्रामीण। डीएम के जेल भेजने की धमकी से ग्रामीणों में रोष है। जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर आघावन गांव में गंभीर पेयजल संकट के कारण ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया। गुस्साए सैकड़ों ग्रामीण और महिलाएं खाली बर्तन लेकर कलेक्टर पहुंचे। रैली के रूप में आए ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीण शाम तक अधिग्रहित कुएं से पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर अड़े रहे। डीएम दफ्तर के सामने धरने पर बैठे ग्रामीणों ने सुनवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की। अंदर बुलाया था, किस प्रकार से चर्चा की कलेक्टर साहब ने? हमारे को गेट कैसे कहा गया कि ज्ञापन तो आपने दे दिया, लेकिन दो प्रतिनिधि के रूप में अंदर जा कर के बैठ के भी बात कर, हम दो प्रतिनिधि अंदर गए। साहब ने हमारे को पूछा कहाँ से आवा मिलकर जो हम आगामन सकते हैं पानी की समस्या को लेकर के, और हमने आपको ज्ञापन भी दे दिया है। तो ज्ञापन हमने पढ़ लिया है, अभी आपकी पानी की व्यवस्था नहीं होगी। हमने कहा कि यदि पानी की व्यवस्था नहीं होती है तो हम यहीं बैठेंगे, क्योंकि पानी है ही नहीं, क्योंकि आप दादागिरी हमारे को बताते हो। ऐसा कलेक्टर महोदय के जनप्रतिनिधि को हमारे को बोला गया। हमने कहा कि भैया ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, और ऐसा है नहीं कि हम कोई बिना बुलाए आपके ऑफिस के अंदर आए हैं। हमारे को कहा गया कि साहब ने अंदर बुलाया, जब हम आप बोले उन्होंने कि पानी की व्यवस्था आपकी नहीं होगी, नहीं होगी तो हम बैठेंगे जेल। कलेक्टर से दो ग्रामीणों के मिलने जाने पर कलेक्टर ने कहा अभी के अभी व्यवस्था नहीं की जा सकती। इस पर ग्रामीण नहीं माने तो डीएम ने जवाब में कहा कि यदि आंदोलन करोगे तो जेल में भेज देंगे, तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा। इससे ग्रामीण में और गुस्सा आ गया। ओके कि आप बैठोगे आंदोलन करोगे तो फिर हम आपको आपके ऊपर प्रकरण दर्ज करेंगे, कार्रवाई करेंगे। हमने कहा कार्रवाई करोगे, जेल भेजने का हमारे कार्रवाई को बोला है। क्या लगता है आप पानी की मांग को लेकर जेल भेजने के जो प्रशासन का रवैया, क्या लगता है ये जो हम देखें तो अभी प्रधानमंत्री खुद मंच से कह के गए थे कि आने वाले 5 साल में केवल पेयजल व्यवस्थाओं पर ही करूँगा, कैसा लगता है? प्रधानमंत्री जी का जो एक जो सोच है वो तो उनकी जगह बहुत ठीक है, लेकिन जो वेतन भोगी लोग हैं जिनकी जवाबदारी है, मतलब शासन की जो योजनाएं हैं उनको लेकर के, तो इनकी जो लापरवाही है, इनकी जो नाकामी है, इनकी वजह से सरकार की बदनामी होती है। और जो सरकारें आज किसी की भी सरकारें हो जो खामियाजा भुगत रही है, ये प्रशासनिक व्यवस्था की जो लापरवाही है इनकी वजह से ये भुगतना पड़ रहा है। परेशानी है, वास्तव में गर्मी बहुत बढ़ गई है, एवोपरेशन बहुत ज़्यादा है और पानी बहुत बीचक चला गया है, तो प्रॉब्लम्स तो है। और इसके लिए हम ये कर रहे हैं कि प्राइवेट ट्यूबवेल वालों से रिक्वेस्ट किया है, सभी लोग सहमति से ट्यूबवेल से अपना पानी दे रहे हैं, और जहां जो सहयोग नहीं कर रहा है उनका अधिग्रहण भी कर रहे हैं। हम लगभग हमने 44 ट्यूबवेल अधिग्रहण कर लिए हैं इस जिले में, और बाकी सहमति से दे रहा है। वो सहमति से दे चुका है ट्यूबवेल, अब इनका जिद है कि उसका अधिग्रहण करो। जब सहमति से जब आदमी दे चुका है ट्यूबवेल तो अधिग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं। सर एक तरफ देखें गांव वाले प्यासे हैं, उनके बाद कलेक्टर परिसर में आके मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम बड़वा में देखें तो हजारों गैलन पानी बह रहा है। सर कहीं ना कहीं अधिकारी लापरवाही चलते हैं। एनबीडीए के नहर नहीं, एनबीडीए के नहर पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, ये आप एनबीडीए के डिपार्टमेंट से बात करिए। मेरा जहाँ तक कहना है कि पानी की समस्या है, जहाँ जहाँ समस्या पैदा दिख रही है, हम लोग प्राइवेट ट्यूबवेल या तो उनकी सहमति से ले रहे हैं या उनका अधिग्रहण कर रहे हैं, और अच्छी मात्रा में हमने अधिग्रहण कर लिया और सहमति प्राप्त कर ली। पेयजल सहमति से दे दिया तो फिर ग्रामीण है क्यों बोलते सर? दो ग्रुप पार्टी सर नेतागिरी चल रही है क्या पानी को लेकर? अब इस पर मैं क्या बोलूँ, आप लोग देखो। खरगोन जिला मुख्यालय में भी पानी की समस्या।